आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, जोधपुर से जोगराम राणावत की खास खबर पर एक नजर। रामनवमी के अवसर पर जोधपुर जिले के लूनी तहसील के शिकारापुर धाम संत श्री राजेश्वर महाराज भव्य मेले का आयोजन हुआ। संत श्री राजेश्वर महाराज की 136वीं जयंती पर भव्य मेले का आयोजन रखा गया। देखते हैं खबर विस्तार से। दूर दराज से आए हुए यात्रियों ने मेले में शिरकत की। अंजना पटेल समाज के इस मेले में सभी धर्म के लोग भगवान श्री राजाराम जी महाराज के चरणों में शीश नमन करने आते हैं। इस मेले में रखे गए रक्तदान शिविर में सभी धर्म और जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि डोनरों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। अखिल भारतीय युवा पटेल अंजना संगठन की तरफ से ठंडे नींबू पानी की व्यवस्था की गई थी। संत दयाराम जी महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद देकर खुशहाल और सुख समृद्धि का संदेश दिया और उन्होंने कहा कि युवाओं को समाज से नशा मुक्त होना चाहिए। पुलिस प्रशासन जगह जगह भक्तों को लाइन व कतार में चलने की सलाह दे रही थी। 50 कितने यूनिट ब्लड डोनेट आपने ले चुका है? 20 यूनिट। आपकी टीम कौन सी हॉस्पिटल से टीम है आपकी? एम्स हॉस्पिटल से आए हैं सर। कुल मिला के आपके बेड इतने यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? हमारे बेड लगे 8 बेड लगे, इसमें 4 एम्स वाले यूज करते हैं। डोनरों के लिए आपने क्या सुविधा रखी है? डोनर के लिए चेकअप करते हैं, इम्यूनिटी चेकअप करते हैं, बीपी चेक करते हैं और ग्रुप ऑफ मेला मनाया जाता है। और इसी दिन हमारे कल्पी पटेल समाज के अगर संत राजाराम जी महाराज साहब ने अवतार लिया था और पूरा 136वां जन्म जयंती महोत्सव है और इसको हमारे पटेल समाज हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। और इस पावन मौके पर जो है हमारे समाज की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है रक्त जो है ब्लड डोनेशन का जो कार्यक्रम रखा है और उसमें हमारा जो लक्ष्य है कि कम से कम जो है 300 यूनिट ब्लड जो है इकट्ठा किया जाएगा और वो जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाएगा और जो असहाय लोग हैं जिन परिवार में देने वाले लोग हैं उनकी जीवन और जिंदगी कैसे बचाई जाए ये प्रयास किया हमारा प्रमुख। आपकी खबर आप तक पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा।